हेलो फ्रेंड्स, हम आपके सामने आज दूसरा ट्रिक लेकर आ रहे हैं। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे सेंटर ऑफ मास निकाल लें, कैविटी की मतलब जो कैविटी वाले क्वेश्चन है उसमें सेंटर ऑफ मास निकालने के ट्रिक्स सीखे थे। ऐसे ही मैं आपके लिए इमेजिन ट्रिक्स लाता रहूँगा जो शॉर्ट हो, आपकी मदद करे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसमें हम रेस्टिट्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। कॉफी सेट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको पता है, आप जब कोलिजन पढ़ेंगे कोलिजन में इसकी वैल्यू जो कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आता है वहाँ पर इसका टर्म यूज होता है। इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन बोलो, इसमें ई की वैल्यू 1 होता था। वहीं परफेक्टली इन इलास्टिक या इन इलास्टिक कोलिजन बोलो, उसमें आपकी ई की वैल्यू 0 होती थी। और साथ में आपकी अगर यहाँ पर आपका परफेक्टली परफेक्टली वर्ड यूज कर लो और केवल इन इलास्टिक कोलिजन हो वहाँ पर एक वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करती थी। ठीक, अब इसमें हम निकालना सीखते हैं कि एक्चुअली कैसा मतलब जो कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप बुक्स में देखो उसमें जनरली ये फार्मूला दे दिया जाता है इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन वी वन माइनस वी टू। ये हमेशा सही नहीं है, ये क्वेश्चन कैसा उसके मदद से ये चेंज होता रहता है। तो जो कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसका जो एक्चुअल है, जो एक्चुअल मीन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट जस्ट आफ्टर कोलिजन। यानी पहले तो आप, यानी लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या आता है, जैसे दो बॉडीज हैं, बॉडीज ए और बॉडीज बी, जब ये कोलिजन करती हैं, जब ये टकराती हैं, तो इनका ये जो लाइन है ये होता है लाइन ऑफ कॉम्पैक्ट। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ कॉम्पैक्ट, मतलब जहाँ एक दूसरे से टकराएं और जो कॉमन पॉइंट है जो इन दोनों को बॉडी को जहाँ पर टच करें। ठीक है, ये आपका लाइन ऑफ कॉम्पैक्ट कराता है। और जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद जो इनकी वेलोसिटी होगी उसको, एंड उसके बाद क्या रहा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये आपकी जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है जिसमें एक दोनों एक दूसरे क्या करें, अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम क्वेश्चन के अंदर से सीखने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें ब्लॉक एक था जिसकी वेलोसिटी इधर V1 करके थी और इधर ब्लॉक बी था जिसकी वेलोसिटी इधर V2 थी। कोलिजन हुआ दोनों में, ब्लॉक एक दी थी, वो कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी देखी गई कुछ इधर U1 कर दीजिए आप U। ठीक है, उस जो ए की वेलोसिटी है कोलिजन के बाद इस इधर साइड ही रहा V1 रहा, और बी की वेलोसिटी की बात करें उसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हुई V2, उसकी डायरेक्शन जो हुई चेंज हो गई। तो जो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है एक्चुअली आप हिंदी में समझिए, इसमें क्या करना है, अगर कोलिजन के बाद जो बॉडी है वो दूर जा रही हैं तो उनकी जो वेलोसिटीज होंगी वो आपस में पॉजिटिव होंगी। ठीक, और कोलिजन के बाद कोलिजन करने के लिए इन दोनों को पास आना चाहिए। अगर दोनों पास आ रही हैं, जो जो पास आ रही हैं उनकी वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव रखना, जो पास नहीं आ रही हैं दूर भाग रही हैं कोलिजन से पहले की कंडीशन बता रहा हूँ, उनकी वेलोसिटी को आप निगेटिव रखिएगा। ठीक, जैसे कि अब ये क्या है, कोलिजन के पहले की कंडीशन है, कि पहले की कंडीशन है, और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है। अच्छा, कोलिजन के पहले क्या है, इन दोनों को पास आना चाहिए। अब इस समय जो पास आ रहा है उसकी वेलोसिटी को आप पॉजिटिव कर दिए क्योंकि कोलिजन करने के लिए इनको पास आना चाहिए। जो जो पास आ रहा है इनमें, अगर दोनों पास में जो पास आ रहे हैं उनकी उनकी वेलोसिटी का साइन आप पॉजिटिव रखिए, अनदर निगेटिव कर दीजिए। देखो यू ए पास आ रहा है और यू टू दूर भाग रहा है, तो यू वन की जो साइन होगी यू वन कैसा होगा, निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि यू वन पास आ रहा है लेकिन यू टू ये पास आने के बजाय दूर भाग रहा है, तो यू टू क्या होगा, ये निगेटिव होगा। ठीक, उसी प्रकार कोलिजन के बाद इन दोनों बॉडीज को सेपरेट होना चाहिए,
दूर भागना चाहिए। अब देखो, अगर जो बॉडी दूर जा रही होगी उसकी वेलोसिटी का साना पॉजिटिव रखिएगा, इधर निगेटिव कर दीजिएगा। ये लाइन आप जो आपकी इम्पैक्ट लाइन थी उसके परपेंडिकुलर जो टेंजेंट लाइन था उस पर हमने देखा कोलिजन के बाद वी ए जो आपकी ए बॉडी थी ये इस साइड आ रही थी, ये उसी साइड फिर से जिस तरह कोलिजन करना था उसी साइड आ रही है, जबकि इसे तो इस साइड आना था, माइनस आई कैप डायरेक्शन में जाना चाहिए था। यानी ये बॉडी भी अपनी डायरेक्शन से गलत डायरेक्शन में है। वी वन कैसा हुआ? निगेटिव। वी टू की बात करें जो बी ब्लॉक है, कोलिजन के बाद इसे तो आगे जा इस साइड में प्लस आई एक्सिस में जाना चाहिए था, लेकिन ये बॉडी आपकी माइनस आई एक्सिस में जा रही, मतलब दोनों, ये देखो ना, दोनों बॉडीज पास पास आ रही हैं, जबकि कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज को अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए था। तो वी टू भी कैसा होगा? निगेटिव होगा। अब लगाइए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई विल क्या कहता है? ये कहता है कि कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज, कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या हुआ? वी वन वी टू। तो वी टू कैसा है? निगेटिव। वी वन भी कैसा है? निगेटिव है। वी वन माइनस वी टू दोनों कैसा है? निगेटिव। अफान यू वन और वी टू में यू वन कैसा है? पॉजिटिव। यू वन पॉजिटिव है, यू टू जबकि निगेटिव है। ये आप क्या हो, कॉपी सेट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यम वन ब्लॉक की जो बॉडी है ये आपकी यू वन से चलती है, और यम टू ब्लॉक की ब्लॉक जो है ये यू टू से सेम डायरेक्शन में आते हैं। कोलिजन के बाद की कंडीशन क्या है? यम वन जो है जो इस साइड में वी वन से जाती है और यम टू इस साइड में वी टू से जाती है। ये कोलिजन के पहले की कंडीशन है, ये कोलिजन के बाद कंडीशन है। तो हमारा क्या मेन मकसद है? कोलिजन इक्वल टू जो हम लिखते हैं कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, पहले तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी लिखी जाती है, ठीक है, कोलिजन की बाद की वेलोसिटीज है, और कोलिजन के बाद दोनों को क्या होना चाहिए? सेपरेट होना चाहिए। अगर दोनों सेपरेट हो रही हैं तो पॉजिटिव लिखना, पॉजिटिव साइन रहेगा, अन्यथा निगेटिव। तो वी वन देखो अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, ये वी एन भग रहा है, इस मेन जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट था इससे दूर भग रहा है, तो वी वन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। वी टू ये भी दूर जा रहा है, मतलब ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक, अब कोलिजन बटे क्या होता है? कोलिजन की पहले की कंडीशन, कोलिजन के पहले क्या है? दोनों को पास आना चाहिए था। हाँ, यम वन पास आ रहा है तो यू वन पॉजिटिव रहेगा, और यम टू भी आपका पास आ रहा है, यू टू भी, ये भी क्या ऐसा पॉजिटिव होगा, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट एक एग्जांपल और करके देखते हैं। ये लास्ट एग्जांपल आपका रहा, मैंने माना जो एम वन ब्लॉक की बॉडी थी, एम ब्लॉक यम मास की जो बॉडी थी ये इस साइड में कुछ 4 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, वहीं एम टू ब्लॉक जो थी ये भी यम मास का ही था लेकिन इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन थी। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद जो पहला यम मास था ये इस साइड में आपका 2 मीटर पर सेकेंड से गया, और जो सेकेंड ब्लॉक था यम ये इस साइड में आपका 2 मीटर पर सेकेंड से ये भी गया, ठीक है। इधर आपका यम वन बॉडी मान लीजिए, इसको यम टू मान लीजिए, इधर यम वन ये यम टू, ओके। अब हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो कोलिजन के बाद पहले कंडीशन देखेंगे, कोलिजन के बाद क्या होना है? बॉडी को सेपरेट होना चाहिए, दोनों सेपरेट हो रही नहीं, बस यही देखिए, ये बॉडी सेपरेट हो रही है, ये बॉडी भी सेपरेट हो रही है। कोलिजन के बाद दोनों को अलग होना चाहिए, दोनों अलग हो रहे हैं, तो टू टू इसकी वेलोसिटी, टू इसकी वेलोसिटी कितनी है? टू टू प्लस टू, दोनों प्लस होंगे क्योंकि दोनों अलग हुए हैं। अब कोलिजन के पहले दोनों क्या होना चाहिए? अलग, कोलिजन करने आ रहे हैं तो दोनों को आपस में मिलना चाहिए, तो ये तो मिलने आ रहा है लेकिन ये दूर भाग रहा है, मतलब फोर तो पॉजिटिव होगा लेकिन टू ये निगेटिव होगा। 4/4 = 2 ये आपका कॉपी सेट ऑफ रेस्टिट्यूशन आया। यानी अब इस ट्रिक्स की सहायता से, मतलब ये जो टेक्निक था एक्चुअली क्या है, टेक्निक ही तरीका ही था एक, जो एक्चुअली बच्चों को नहीं पता होता है, तो इसकी मदद करके, इसकी मदद से आप मोमेंटम कंजर्वेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही मैं ट्रिक्स, ऐसे ही तरीके मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।